प्रतीक्षा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आमरस की सेवैया। उसके लिए हमें चाहिए 3 आम, शक्कर 2 टेबलस्पून, घी, सेवैया, ये गेहूं के आटे की सेवई है, इलायची पाउडर और नमक। यहाँ मैंने एक बर्तन में पानी उबालने रख दिया है। तब तक हम यहाँ आम का पल्प निकाल लेंगे। यहाँ पहले हमें आम को अच्छे से धो लेना है। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है पहले ही। पहले हम इसका मिडल वाला पोर्शन थोड़ा कट कर लेंगे और इसे इस तरह से पहले हम एक एक स्लाइस कट करेंगे इसकी। इसे बीच में से इस तरह से कट करेंगे। और इसे एक प्लेट में निकाल लें। इसी तरह और स्लाइस कट करेंगे इसकी। आप देख सकते हैं मैंने आम काट लिए। यहाँ मैंने 2 ही आम काटे हैं और ये एक आम मैंने बैलेंस रखा है। मैं आपको बाद में बताऊंगी इसका क्या करना है। आप देख सकते हैं पानी को उबाला चुका है। अब हम इसमें थोड़ा घी डालेंगे। घी के जगह तेल भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें ये सेवई डालेंगे। इसे हम 3-4 मिनट उबलने देंगे। इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता उबलने के लिए। सेवई उबल रही है तब तक हम यहाँ आमरस बनाएंगे। यहाँ मैंने एक मिक्सर जार लिया है। इसमें हम आम का पल्प डालेंगे। इसमें अब हम डालेंगे शक्कर, इलायची पाउडर और स्वादानुसार नमक। हमें नमक थोड़ा ही डालना है, ज्यादा नहीं, बस टेस्ट के लिए। इसे हम मिक्सर में चला लेंगे। तब तक हमारी सेवई हो गई है। इसका पानी निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इसका मैंने पानी निकाल लिया है। ये थोड़ी ठंडी होने के बाद थोड़ी खिल जाएगी, खिली खिली बन जाएंगी, क्योंकि इसमें हमने घी डाला है। सेवई का पानी निकालने के बाद अब इसमें थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे तो भी ये खिली खिली रहेगी। आप देख, इसे मैंने मिक्सर में पीस लिया है। अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। मिक्सर में हम थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे और ये पानी इसमें डाल लेंगे। इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से। इसमें हम थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। तैयार है हमारा आमरस। जो मैंने एक आम बचा के रखा था उसे मैंने इस तरह से छोटे पीस में इसे कट कर लिया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। उसके लिए मैंने 2 ग्लासेस लिए हैं सेवई, आमरस, घी और बारीक कटा हुआ आम। पहले हम ये सेवई ग्लास में डालेंगे।
तो इसके ऊपर अब हम डालेंगे आमरस, इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा घी, इसके ऊपर अब हम डालेंगे बारीक कटा हुआ आम, तैयार है हमारी आमरस सेवैया। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स।